गुड मॉर्निंग सेकंड क्लास, आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज आपकी हिंदी रीडर की क्लास है, आपको इंतज़ार होगा। हिंदी रीडर लेसन 7 है और जिसका नाम है जादू वाली शाम। ओके बच्चों, आपका फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम के बाद ये पहली वीडियो क्लास है। ओके, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिए, छुट्टियों में मनी और हनी ने जादू सीखा। हनी ने ताश के पत्तों वाला जादू और मनी ने टोपी में से तरह तरह की चीज़ें निकालने वाला जादू। फिर वे दोनों रंगीन डिब्बों पर चढ़ गए अपने जादू का प्रदर्शन करने के लिए, प्रदर्शन यानी दिखाने के लिए। मनी ने नीली टोपी नीचे झुकाकर ऊपर उठाई तो उसमें से एक चिड़िया निकलकर उड़ गई। दर्शकों को बड़ा मज़ा आया। ठीक है बच्चों, इसमें क्या बता रहे हैं, इस वाले पहरे में ये बताया है कि जो छुट्टियों में मनी और हनी ने क्या सीखा, जादू सीखा। हनी ने ताश के पत्तों वाला जादू और मनी ने टोपी में से तरह तरह की चीज़ें निकालने वाला जादू। ठीक है, जैसे इसमें दोनों रंगीन डिब्बे पर चढ़कर अपने जादू का प्रदर्शन करने के लिए रेडी हुए, और फिर मनी ने नीली टोपी में से नीचे झुककर क्या किया, उसमें से चिड़िया निकालकर उड़ा दी, और दर्शकों को जो देखने वाले थे उनको बड़ा आनंद आया, बड़ा मज़ा आया उनको। ठीक है, अब मैं आगे बता रही हूँ आप लोगों को। फिर हनी ने ताश का जादू दिखाया, कभी ताश ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, लेकिन एक भी पत्ता ज़मीन पर नहीं गिरा। दर्शकों ने खूब तालियाँ बजाई। मोटू भालू कुछ भी सीख नहीं सका था, वह एक छोटे डिब्बे पर बैठकर पानी के बुलबुले बनाता रहा। दर्शकों को उसके बुलबुले अच्छे लगे। नए साल की संध्या पर मनी हनी मोटू भालू की यह जादू वाली शाम सबको खूब पसंद आई। तो इस वाले पैर में क्या बताया कि जो फिर हनी ने क्या किया, ताश का जादू दिखाया, कभी ताश ऊपर जाता था कभी नीचे जाता, कभी इधर कभी उधर जाता था, लेकिन एक भी पत्थर ज़मीन पर नहीं गिरा था। तो ताश के पत्ते कैसे गिर जाते हैं, हल्के होते हैं, लेकिन उसने जादू इस तरह से किया कि पत्ता नहीं हिला, और दर्शकों भी खूब तालियां बजाई, उन्होंने खूब उनको आनंद मिला। और मोटू जो था, मोटू भालू कुछ भी सीख नहीं सका था, लेकिन इसने क्या किया, वह डिब्बे पर बैठकर पानी के बुलबुले निकालने लगा। ठीक है, और ये जादू वाली शाम सबको बहुत पसंद आई, सबको बहुत आनंद हुआ। तो बच्चों ये लेसन कैसा था, ये लेसन जो है आपके जादू वाली शाम था, जादू का मतलब चमत्कार। ये लेसन जो था आपका, ये आपके एंजॉय के लिए था कि किस तरह से देखो खेल खेल में उन्होंने जादू सीखा। तो आई होप बच्चों आपको मज़ा आया होगा ये लेसन सुनकर, और आपको अच्छा लगा होगा। और जो आपको होमवर्क करना है, अब मैं आपको होमवर्क बताती हूँ कि आपको होमवर्क क्या करना है। देखिए, होमवर्क में आपको अपने हिंदी रीडर की कॉपी में करना है, हिंदी वाली कॉपी बना रखी है ना बच्चों आपने, उसमें आपको नीट एंड क्लीन करना है, सुंदर सुंदर बोल बोल कर करना है। जब आप बोल बोल कर करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा, आपको शब्दों का ज्ञान भी होगा, दूसरे के आपको लिखने में भी आनंद आएगा। ठीक है, आपको कौन सा होमवर्क करना है, आपको ये कठिन शब्द करने हैं, बोल बोल के करना है, जैसे मैं आपको बोल रही हूँ। देखिए, छुट्टियों, रंगीन डिब्बों, प्रदर्शन, चिड़िया, दर्शकों, तालियां, संध्या। ओके, ऐसे बोलना है आपको, बोल बोल कर लिखना है, इससे आपको शब्दों का, मैंने बताया, शब्दों का ज्ञान होगा आपको, और बोलने में आपको अच्छे से आपको याद भी हो जाएंगे। अब हम शब्दार्थ बताते हैं आपको, शब्दार्थ आपको करने हैं होमवर्क में। प्रदर्शन, देखिए जैसे दिखाना, शो, दर्शक, देखने वाले, व्यूअर्स। जादू, जादू खेल, मैजिक। ठीक है, अब संध्या, शाम, इवनिंग। ठीक है बच्चों, अब एक और होमवर्क बता रही हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन सेकंड है अभ्यास कार्य का। इसमें हमें क्या करना है, राइट रॉन्ग लिखना है हमें, वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाओ। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट में क्या है, काली टोपी से एक चिड़िया निकली, आपने लेसन सुना, निकली काली चिड़िया निकली थी, टोपी में से नहीं निकली, तो यहाँ पे हमें रॉन्ग का निशान लगाना है। ऑलरेडी मैं लगा चुकी हूँ, मैं अब आपको बता रही हूँ। देखिए सेकंड में देखिए, मनी ने ताश के पत्तों वाला जादू सीखा, नो, मनी ने नहीं सीखा था। ठीक है, तो हमें
रोंग का निशान लगाना है। अब थर्ड में देखते हैं, दर्शकों ने तालियां नहीं बजाई, तो ये भी रोंग है। आपने सुना दर्शकों को मजा आया था, उन्होंने तालियां बजाई थी, तो यहाँ पर हमने रोंग का निशान लगाया है। अब फोर्थ में देखते हैं, मोटू भालू पानी के बुलबुले बनाता रहा, राइट, अभी हमने पढ़ा है पानी के बुलबुले बनाता रहा। अब लास्ट वाला देखते हैं, जादू वाली शाम किसी को भी पसंद नहीं आई, नहीं, रोंग आएगा यहाँ पर। अभी आपने सुना जादू वाली शाम सबको पसंद आई थी। बच्चों ये आपका होमवर्क था, आपको नीट एंड क्लीन करना है, बोल बोल कर करना है, और बाकी की जो एक्सरसाइज है, क्वेश्चन आंसर है, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।